तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन के बाद आज जेल से बाहर आएंगे। अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रीमियर जांच एजेंसी है, जनहित में जरूरी है कि सीबीआई वैसी दिखे भी। कोशिश होनी चाहिए कि यह अवधारणा बने कि जांच निष्पक्ष तरीके से हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आम आदमी पार्टी परिवार में मजबूती से बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं की भी शीघ्र रिहाई की कामना करती हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनीष सिसोदिया ने भी स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो चलिए आप सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से, जो कि मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर और जानते हैं कि इस वक्त पार्टी कार्यालय में किस तरह से जश्न का माहौल है। तो रोहन, हम देख रहे हैं बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि मौसम तो बढ़िया हो गया है, खुशी की बात है, राहत मिली है, आम आदमी पार्टी में किस तरह से ये जो डबल खुशी है उसे मनाया जा रहा है। जी दीपाली, आज सुबह जैसे ही केजरीवाल को जमानत की खबर आई, यहां पे पार्टी के दफ्तर में, हेड ऑफिस में, यहां पे तैयारियां शुरू हो गई और कुछ ही समय के अंदर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं जहां पे केजरीवाल आएंगे और सत्यमेव जैसे जैसे जो मैसेज लिखे हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तुरंत शुरू किए। इस तरह के पोस्टर्स आपको पूरे कार्यालय में, इसके आसपास की सड़कों पर दिख जाएंगे। झंडे, बैनर, मिठाइयां, ये सारी चीजें आने लगी और कुछ समय पहले तक यहां पे ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। फिलहाल बारिश की वजह से थोड़ा सा जो जश्न है वो थम गया है और थोड़ी देर पहले दीपाली पार्टी के तमाम बड़े नेता थे यहां पे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, मनीष सिसोदिया थे और ये सारे लोग यहां पे यहां से थोड़ी देर पहले गए हैं तिहाड़ जेल की तरफ और वहां पे इंतजार है कि जैसे ही खबर आती है केजरीवाल की रिहाई की, वो वहां पे एक ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी करेंगे। हालांकि उसके बाद जो अब तक की योजना है उसके मुताबिक केजरीवाल अपने रेसिडेंस जाएंगे, यहां आने की योजना आज की नहीं है, यहां कल एक और जश्न हो सकता है। लेकिन इस बात की संभावना है कि जैसे ही रिहाई होती है उसके बाद एक छोटी मोटी
रैली यहां पे हो सकती है पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से। बहरहाल पार्टी इसको एक मोरल विक्ट्री के रूप में पेश कर रही है, और कुछ समय पहले हमारी बात हो रही थी मनीष सिसोदिया से, उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है, ये मोरल विक्ट्री है। और इसी तरह से जो आने वाला हरियाणा चुनाव है उसकी मद्देनजर पार्टी के नेता इसे इस जीत को एक इवेंट के रूप में, इस रिहाई को एक इवेंट के रूप में दिखाना चाहते हैं, अपनी जीत के रूप में दिखाना चाहते हैं, और उसी की तैयारियां यहां पे हो गई हैं। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है दीपाली, तो कोई यहां पे एक रैली या जश्न फिलहाल तो नहीं है, लेकिन रिहाई के बाद हम जरूर उम्मीद करते हैं कि यहां एक छोटा सा जश्न की तैयारियां यहां पे हो सकती हैं। बिल्कुल रोहन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि इस वक्त अब इंतजार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई का, और उसके बाद बड़ा जश्न आम आदमी पार्टी के कार्यालय में होता हुआ हम देखेंगे। फिलहाल बारिश वहां पर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 72 पॉइंट गिरकर 82,891 पर और निफ्टी 32 पॉइंट गिरकर 25,357 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए, तो निफ्टी बैंक ने नीचे से सुधर कर बढ़त पर क्लोजिंग ली। वहीं रियलिटी मेटल आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तेल गैस एफएमसीजी एनर्जी शेयरों के साथ पीएसई फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में और निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में गिरावट रही। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लिस्टिंग पर निवेश कर सकते हैं, ये कहना है एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। इसी के साथ दीपन मेहता ने ये भी कहा कि एनबीएफसीज में बजाज हाउसिंग अच्छा विकल्प है। डिपेंडिंग अपॉन क्या लिस्टिंग की प्राइस होती है, आई थिंक वन कैन सर्टेनली एवरेज एंड मेक इट एज अ डिसेंट होल्डिंग, क्योंकि जो भी अलॉटमेंट मिलना है आपके पोर्टफोलियो के सम्मान में काफी कम होल्डिंग होगी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट के राइट साइज होल्डिंग करने के लिए मार्केट में आप खरीद सकते हैं, या तो ऑन लिस्टिंग खरीद सकते हैं, या हमने देखा है कि कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद फिर प्राइस स्टेबल हो जाता है और करेक्शन भी आ जाती है, यूफोरिया निकल जाता है, तो उस टाइम आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन दी एनबीएफसी स्पेस, इन दी हाउसिंग एनबीएफसी स्पेस, और इसमें ज़रूर से आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। इट्स अ स्टेडी परफॉर्मर, बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ लेके कंपनी निकली है बाहर फ्रॉम द वेरियस क्राइसिस, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से, किस प्राइस पॉइंट में आप एंटर होते हैं, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। द बेस्ट इन क्लास स्टिल रिमेन्स बजाज फाइनेंस, और धीरे धीरे वी आर सीन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जा रही है और भाव उधर का उधर ही है, इट्स स्टैटिक स्टैगनेंट, तो उसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक है वहाँ पर काफ़ी कंप्रेशन देखा है हमने, और आगे चलते भी आई थिंक जो भी कंसर्न्स थे बजाज फाइनेंस के, ग्रेजुअली दे हैव डिसिपेटेड एज फार एज एनपीएज आर कंसर्न और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज आर कंसर्न, तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेडी परफॉर्मर बन सकती है। तो मार्केट के मौजूदा हाल पर हर बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा, जहां एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा देंगे 10 बड़े सवालों का जवाब शाम 7:57 पर। तो त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही सोने की चमक बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। घरेलू मार्केट में भी सोने में रफ्तार कायम है, तो इस खबर पर पूरा अपडेट लेते हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी बताएं, सोना ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ से भाव में और कितनी तेजी की उम्मीद है? जी हाँ, ऑल टाइम हाईज हमने इस हफ्ते सोने में बनते हुए देखे हैं। $2,570 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर निकलते हुए नजर आए हैं, और अगर इस साल का लो देखें जो कि 1992 था, वहाँ से करीबन $600 प्रति आउंस की तेजी हमने सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। सोना काफ़ी हद तक यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर भी आया है। कुछ इसी तरह की तेजी यहाँ पर चांदी में भी देखने को मिली है। सपोर्ट इस वजह से है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट में कटौती की है 25 बेसिस पॉइंट से, और अगले हफ्ते यूएस फेड यहाँ पर रेट में कटौती कर सकता है। एक्चुअली अगले हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, और अगर सभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर रेट कट साइकिल में जाते हैं तो उसका पूरा फायदा यहां पर सोने को उठता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही, ETF में खरीदारी जोरदार है, तो उन सबका फायदा भी यहां पर सोने में है। और जिस तरह से यूएस अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कमजोर हुई, तो सोने ने इसका भरपूर तेजी के हिसाब से फायदा उठाया है। अब आगे जाते हुए बाजार को लगता है कि वॉलेटिलिटी तो यहां पर बरकरार रहेगी,
लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन अगर देखा जाए तो सभी को लगता है कि यहाँ पर तेजी है। सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि $2700 पर आउंस इस साल में और $3000 पर आउंस अगले साल में यहाँ पर सोने के प्राइसेस रह सकते हैं, यानी कि आउटलुक भी इक्वली बुलिश है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। जल्द ही 10 नई वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए रेलवे लगातार वंदे भारत की संख्या को बढ़ा रही है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों का ख्याल रखते हुए इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 10 और नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने के बाद देश में करीब 64 वंदे भारत ट्रेनें हो जाएंगी। अब ये जो नई 10 ट्रेनें हैं जिसे प्रधानमंत्री झारखंड के जमशेदपुर से लॉन्च करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के लिए, इनमें कौन से रूट्स शामिल होंगे तो हम आपको बता दें कि जिन रूट्स पर ये नई 10 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी उसमें टाटानगर बोकारो पटना, वाराणसी धनबाद देवगढ़, टाटानगर से ही भुवनेश्वर ब्रह्मपुर, रांची देवगढ़ गोड़ा और आगरा लखनऊ से होते हुए बनारस, और इसके अलावा हावड़ा कोडरमा से होते हुए गया और हावड़ा से बर्धमान भागलपुर जैसे रूट्स को शामिल किया गया है। इस मौके पर आपको एक और अहम जानकारी दे दें कि ये भी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वंदे मेट्रो को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं जो कि भुज से अहमदाबाद के रूट पर चलाई जाएगी। तो गांधीनगर में 16 सितंबर से ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो की शुरुआत होगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये समिट भारत के लिए कितना अहम है और इस एक्सपो की कैसी है तैयारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। इसी जगह महात्मा मंदिर गांधीनगर में 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एक बहुत बड़े समिट का उद्घाटन करने जा रहे है। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपो समिट 3 दिन तक चलने वाला है और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल पहले भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र पर कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 76 गीगावाट था जो कि आज बढ़कर 200 गीगावाट हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि हम 2030 तक इसको बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देंगे। हालांकि यह लक्ष्यांक सिद्ध करने के लिए कम से कम 30 लाख करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो इसीलिए दुनिया के इन्वेस्टर भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। 15,000 डेलीगेट से वो आएंगे। यूएस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश जो कि इस क्षेत्र में महारत हासिल की हुए है वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। 40 जितने अलग अलग सेशन भी होंगे और भारत सरकार की आने वाले 6 साल में क्या रणनीति है, क्योंकि हर साल 5 लाख इन्वेस्टमेंट होगा तभी ये 500 गीगावाट का लक्ष्यांक है वो पूरा होगा, तो पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट है वो भी यहाँ पर पेश की जाएगी। और 18 तारीख को समापन समारोह में उपराष्ट्रपति भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दशकों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भारत की क्या ब्लूप्रिंट है, क्या क्या तैयारियां है, यह समझने और जानने के लिए पूरी दुनिया को यहाँ पर बुलाया गया है और शायद केंद्र सरकार चाहती है कि 2030 से पहले ही ये लक्ष्यांक हासिल हो। केतन जोशी, गांधीनगर। कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं। ममता बनर्जी विपक्ष के लगातार निशाने पर हैं। आक्रोशित लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने लोगों से आक्रोश को शांत करने और सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है। ममता ने कहा कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, वो शहर और यहाँ के लोगों के लिए न्याय चाहती हैं। इसके लिए लोगों के खातिर इस्तीफा देने के लिए भी वो तैयार। আশা করি মানুষ বুঝতে পাচ্ছেন, ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তম বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे।
in solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाने के लिए रेल मंत्रालय सभी इंजन और पायलट कोचेस के बाहर कैमरा लगाएगा। अगले एक साल में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में अनुमानित 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बढ़ते रेल हादसों और रेल को बेपटरी करने की साजिशों को रोकने के लिए रेलवे ने कैमरे लगाने का फैसला किया है। अब लोको पायलट की नजर ही नहीं बल्कि कैमरे की नजर भी पटरियों पर रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ट्रेन के इंजन और गार्ड कोच के अगले पिछले हिस्सों और दोनों किनारों पर कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही कोच और इंजन के अगले हिस्सों में जानवरों से बचाव के लिए लगे कैटल गार्ड पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रेल मंत्रालय ने इंजन और कोचेस के बाहर कैमरा लगाने का फैसला लिया हो। इससे पहले भी इस पर विचार किया गया था। बकायदा जो रेलवे की आईटी कंपनी है क्रिस की तरफ से टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से आपत्ति जताने के बाद इसे पूरा किया नहीं जा सका। लेकिन अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात को सामने रखा है कि अगले 1 से 2 महीने में इसे लेकर टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। इंजन और कोचेस के बाहर लगने वाले कैमरा की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए बकायदा एक इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसका संचालन क्रिस और निगरानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सौंपा जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में रेलवे सेफ्टी पुख्ता करने के लिए एक तरह से AI की मदद भी ली जा सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हाल ही के दिनों में सोलो ट्रैवलिंग का ट्रेंड बढ़ा है और इसमें महिलाएं पुरुषों के आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है सोलो ट्रैवलिंग के फायदे, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सोलो ट्रैवल, अलग मजा।